मनीषा गुलाटी भाजपा शामिल हो चुके ने। भाजपा में शामिल होने तो बाद मनीषा गुलाटी ने मुख्यमंत्री चन्नी से वड्डा इल्जाम लगाया कि दो हाई प्रोफाइल केसों को लेकर मैनू लगातार परेशान किया गया। पंजाब के डीजीपी को शिकायत करने तो बाद भी कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया। मनीषा गुलाटी जिहड़े के वख-वख मामले को लेकर काफ़ी चर्चा च रहिंदे ने, कमिशन के चेयरपर्सन रहे ने, हालांकि बीजेपी शामिल हो चुके ने, पर दो हाई प्रोफाइल केसों का हवाला मनीषा गुलाटी क्यों दे रहे ने, तो बड़ी चर्चा है। ट्रबल चीफ मिनिस्टर साहब, मैंने अपने संविधान में जो अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए इन पिछले 111 दिन में जो आपने पंजाब के लिए किया, आपने जो मुझे नहीं प्रताड़ित किया, आपने पूरे पंजाब की औरतों की डिग्निटी को टाइम टू टाइम, अभी पिछले कुछ दिनों से दो हाई प्रोफाइल केस है मेरे पास जिनको लेके आपने मुझे इतना अब्यूज किया है, आपकी टीम ने इतना अब्यूज किया है कि मैंने वो फोन, अपना ऑफिशियल फोन होम को दे दिया है ताकि एक सच्चाई बाहर आ सके कि जो आप बातें करते हो वुमेन एम्पावरमेंट में, एक्चुअल में वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। ट्वीट किया, ट्वीट काफी बार लिखा से उन्होंने की उन्होंने प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रताड़ित जो ट्वीट है, गल करिए हाईकमांड के कोल कांग्रेस को जरूर पहुंचा है, लेकिन हाईकमांड ने उन्होंने परवाह नहीं की ट्वीट की, जिस तो बाद मनीषा गुलाटी ने यह डिसीजन लिया कि हम भाजपा से उन्होंने ज्वाइन की जाए, जिसनों लैके अच फिर भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर ली। जी बहुत शुक्रिया। जी